हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ वंस अगेन इरशाद टीम ज़ुलॉजी सी एल सी सीकर आई वेलकम यू ऑल इन द सॉल्यूशन ऑफ दंगल नंबर सेवन हैड ऑन एलेवेंथ जुलाई 2022। hmm. ये जो आप प्रैक्टिस टेस्ट डेली अपीयर कर रहे हैं अपीयर हो रहे हैं ये आपके कॉन्फिडेंस को अप करने के लिए काफ़ी यूजफुल हैं इसी तरह के क्वेश्चंस एक बार फिर आपके सामने हैं कंप्लीट सिलेबस क्लास वेल एज क्लास ट्वेल्थ को कवर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन है समूह द्विपार सम्मित व त्रिकोर की है तो अपने को यह पता है कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं ठीक है, है? ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं जहां पे डे प्लेयर दो होती हैं डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं एक्टोडर्म और एंडोडम जहां पे मिजोडम डेवलप हो जाती है वो एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है तो फाइलम निडेरिया एंड फाइलम टीनोफोरा ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक हैं और रेस्ट ऑफ द एनिमल्स आफ्टर टीनोफोरा वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो अपन ने पूछा यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक रही बात बायोलेट्रल सिमेट्री की तो टीनोफोर्स कैसे हैं रेडियली सिमेट्रिकल निडेरियंस भी रेडियली सिमेट्रिकल ये ट्री डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते यहां पर जो आंसर है वो है फर्स्ट एस्केल्मेंथिस एस्केल्मेंथिस सुडोसीलोमेट्स होते हैं ट्रिपलोब्लास्टिक होते हैं और कैसे होते हैं दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल तो यहां पे आंसर हो जाएगा बेटा वन एस्केल्मेंथिस ओके टीनोफोर्स कैसे हैं डिप्लोब्लास्टिक हैं स्पंजस नॉट ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक वास्तव में डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते सिलेंट्रेट्स They are तो यहाँ पे पूछा गया ट्रिप्लोब्लास्टिक सेम फाइल ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने एनिमल डाइवर्सिटी का इसमें पूछा गया दे के, पे आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि एनिमल्स हैं डेविल फिश जो कि होता है ऑक्टोपस मोलस्का सीपिया ये भी मोलस्क है स्टार फिश यह इकाइनोडर्म है सेम फाइलम पूछा है इकाइनस इकाइनोडर्म एंटीडॉन इकाइनोडर्म लॉलीगो ये स्क्विड होता है ये मोलस्क है एक्टस ये फिश है ट्राइगन ये फिश है पाइला एक मोलस्क है एस्केरिस एक हेलमिंथ है एस्केलमेंथिस का मेंबर वुकेरिया एस्केलमेंथिस का मेंबर और एनसाइलोस्टोमा ये भी एस्केलमेंथिस का मेंबर है तो ये तीन जो एनिमल्स हैं दे बिलोंग टू फाइलम एस्केलमेंथिस यहां पर पूछा ये गया विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम तो आंसर इज फोर्थ ओके क्वेश्चन नंबर 103. जीरो थ्री इसमें पूछा गया है कौन सी उपास्थिल मछली में विद्युत अंग उपस्थित होते हैं तो जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं वो मॉडिफाइड मसल्स होती हैं और वो मॉडिफाइड मसल्स प्रेजेंट होती हैं किसमें टॉरपीडोम प्रिस्टिस ये स्टिंगरे कहलाती है स्कॉलियोडॉन डॉग फिश कहलाती है ट्राइगन ये जो है प्रिस्टिस प्रिस्टिस जो है सॉफिश ट्राइगन है स्टिंग रे टॉर्पिडो है इलेक्ट्रिक रे स्कॉलिडॉन है डॉग फिश ठीक है तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसमें प्रेजेंट होते हैं टॉर्पिडो में इलेक्ट्रिक रे के अंदर तो आंसर है इसके अंदर कौन सा टॉर्पिडो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज इज 104। दिस क्वेश्चन रीड्स एज द टाइप ऑफ टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथिलियम अब इसके अंदर हिंट दिया हुआ एक तरह सेम को सपोर्ट कर रहा है तो एपीथिलियम के नीचे बट नैचुरल है कनेक्टिव टिश्यू के एलिमेंट होते हैं एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है तो यहां पर साफ साफ आंसर है एरियोलर टिश्यू डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं है मस्कुलर टिश्यू नहीं है एडिपोज उसके नीचे होता है सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम साफ साफ पूछा गया उपकला के लिए आधारीय ढांचा बनाने का कार्य करता है तो उपकला के लिए आधारी ढांचा कौन बनाता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू तो आंसर हो गया सेकंड। 104 में आंसर इज सेकंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 105। सही रूप से मिलान की गई युग्म का चयन करें अब ये भी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया क्वेश्चन है इसमें पूछा गया चार ऑप्शन देखे कि कौन सा सही मैच है तो कंड्रा ये विशेष संयोजी संयोजित नहीं है ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है सघन नियमित संयोजी संयोजित का उदाहरण है वसी उतक ये सघन संयोजी उतक डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये लूज की कैटेगरी में आता है वायु उतक या एर टिश्यू ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है उपास्थि कार्टिलेज ये सघन संयोजी ऊतक ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आता है तो कार्टिलेज जो है जैसे अपन ने बताया कि ये कैसा है स्पेशलाइज हिंदी में क्या कहेंगे उसको विशिष्टीकृत या विशिष्ट संयोजी ऊतक की कैटेगरी में आता है यहाँ पे तो यहाँ पर करेक्टली मैच पेयर अगर अपने को चुनना है तो करेक्टली मैच पेयर जो है वो यही है ऑप्शन नंबर थ्री वाला एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है थर्ड है इसका राइट आंसर क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उपास्थिक कैसा है ये स्पेशलाइज है अपने को किसका शरण करना सही रूप से है ना करेक्टली मैच्ड तो करेक्टली मैच में तो ये करेक्टली मैचड है ये इनकरेक्ट हो गया ये इनकरेक्ट हो गया ये इनकरेक्ट हो गया ये, ये करेक्ट ठीक है तो अपने को पर बड़ा केयरफुली रीड करके और फिर आंसर को फाइंड आउट करना है बिल्कुल एक पेशेंस ऑफ माइंड दिमाग में हमेशा रख के उसको क्वेश्चन को अटेंड करें मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे नेक्स्ट है 106 ये कॉकरोच से लिया हुआ एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है इन फीमेल कॉकरोच स्पम्प आर स्टोर्ड इन तो स्पम्प जो मेल कॉकरोच रिलीज करता है फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर वो जाके स्टोर हो जाते हैं स्पर्मेथीका के अंदर तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एक वो स्ट्रक्चर है है फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर जहां पे स्पर्म को स्टोर किया जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्मेथिका से स्पर्म वापस निकल के जो कॉमन ओविडक्ट जिसको वेजीना कहते हैं उसमें आ जाते हैं फिर फर्टिलाइजेशन वहां पर हो जाता है तो वहां पर आंसर कौन सा हो गया ये स्पर्मेथिका पर्मेथिका को हिंदी में कहते हैं शुक्र ग्राहिका है ना अगर इसमें पूछता कि ये फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन के लिए फिर आंसर फोर हो जाता है इसके अंदर है ना क्योंकि डक्ट तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है सेमिनल वेसिकल भी मेल कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होती है तो फीमेल कॉकरोच में क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे स्पर्मेथिका और वेजीना तो वेजीना में फर्टिलाइजेशन होगा स्टोरेज स्पर्मेथिका में होगा तो आंसर हो गया सेकेंड क्वेश्चन नंबर गलत कथन का चयन करें ये एक से लिया एक अच्छा सा है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उनके रिगार्डिंग अपने को क्या सेलेक्ट करना है रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है अब जैसे लिखा है कि जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी उतक बहुत आया तेव विस्तृत रूप से फैला हुआ असंवन उतक है तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना वो उसके अंदर ब्लड वेसल्स या वास्कुलर एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं है ना ये ऐसा ही नहीं होता नॉर्मली कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एवास्कुलर टिश्यू तो एवास्कुलर स्टेटमेंट थोड़ा सा ठीक नहीं है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को रीड कर लेते हैं अपन यह शरीर के अन्य उतकों एवं अंगों को आपस में जोड़ने तथा आलम्बन प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है यह बात ठीक है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग एंड सपोर्टिंग वेरियस बॉडी ऑर्गन्स प्रोटीन तंत्र को सामर्थ्य प्रत्याशा और प्रदान करते हैं जैसे कि मध्य रूपांतरित पॉलिसेक संचित रहता है, है।, जो एक है वो स्टोर्ड रहता है।, होता है और भी कई रूपों में होता है ना? तो जो गलत स्टेटमेंट है अपने को तो गलत सेलेक्ट करना है ना इसमें इन करेंट को सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया ये ए वास्कुलर होने की वजह से ये इनकरेक्ट हो जाता है आंसर क्या हो गया? यहां पे ब्लड वास्कुलर सिस्टम के जो एलिमेंट्स होते हैं कैपिलरीज हो वगैरह वो प्रेजेंट होती है आंसर हो गया वन क्वेश्चन नंबर वन जीरो एट विच ऑज द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट अब ये डाइजेस्ट सिस्टम का क्वेश्चन है जिसमें आपको एनजाइम और उसका सबस्टेट एक तरह से दिया हुआ है तो न्यूक्लियज ये प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करता न्यूक्लियज आपको पता है पेंक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट है और ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं डी एन को ट्रिपसिन ये प्रोटीन डाइजेशन करता है ये ड्यूडनम में रिलीज होता है पैंक्रियाज से एमाइलेज ये भी पैंक्रियाज से रिलीज हो रहा है ये लेक्टोज का डाइजेशन नहीं करता स्टार्च का डाइजेशन करता है बेसिकली इनवर्टेज या सुक्रेज एक ही एंजाइम के दो नाम होते हैं तो यह सुक्रोज का डाइजेशन कर देगा इनवर्टेज का ही दूसरा नाम क्या बेटा यह है सुक्रेज यह सुक्रोज का डाइजेशन कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज आंसर है फोर्थ, सुमेलित ढूंढना है आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन, डायजेशन स्टार्च का डाइजेशन, ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया ये भी गलत हो गया ये सही आंसर इज़ जीरो नाइन अंत श्वसन का आरंभन कब होता है अब इंस्पिरेशन का जो स्टार्टिंग है वो बेसिकली किससे हो रहा है बेटा डायफ्राम की मसल से डायाफ्राम की मसल्स कैसी होती हैं दे आर रेडियल मसल्स तो इंस्पिरेशन अपन कर रहे हैं तो चेस्ट कैविटी जो है एनलार्ज होती है इसको एंटीरोपोस्टियर एक्सेस में यानी कि सामने से अगर अपन आगे और ऊपर और नीचे के एक्सेस पर अगर अपन इसको एनलार्ज करेंगे तो डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर उसकी मसल्स थोड़ा सा डाउनवर्ड्स मूव करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम पहला स्टेप यही होता है बाकी स्टेप्स होते हैं लेकिन वो सब बाद के स्टेप्स हैं जैसे इसमें लिख रखा है इंटरकोस्टल मांसपेशियों में संकुचन ये होगा लेकिन ये पहले नहीं होगा ये सेकंड स्टेप में होगा समझ आप कॉन्ट्रेक्शन मसल्स भी होगा लेकिन ये पहले नहीं होगा तो स्टार्टिंग पूछिए ना इनिशिएशन इनिशिएशन का मतलब होता है बिगिनिंग स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग किससे हो रही है डायफ्राम की रेडियल मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू आंसर इज थ्री

तो लाइपेज और न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट इन पेंक्रेटिक जूस तो ये तो होते हैं भाई लाइपेज पेंक्रेटिक लाइपेज भी होता है न्यूक्लियस भी होते हैं ये तो सही स्टेटमेंट है गोबलेट सेल सिक्रिट म्यूकस ये भी सही स्टेटमेंट है ब्रूनर्स ग्लैंड और सब म्यूकोसल ग्लैंड ये भी सही है ये कार्बोक्सीपेप्टिडेस कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन पेप्टोन प्रोटीन और डाइपेप्टाइड्स ये सही है तो गलत ही हो गया यहां पे लिख रखा है नॉट प्रेजेंट पहला स्टेटमेंट ही इसके अंदर गलत है आप एक बार रीड कर लें अग्नाशय रस में उपस्थित नहीं होते है ना जबकि ये होते हैं तो अपने से क्या पूछा गया गलत तो पहला ऑप्शन ही गलत है तो आंसर क्या हो गया वन बाकी ये तो सब सही है गोबलेट सेल म्यूकस करती ब्रूनर्स ग्लैंड दे आर सम ग्लैंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स पेप्टोन और प्रोटीज इंटू डाइपेप्टाइड ये सारे स्टेटमेंट नीचे के तीनों सही हैं यही गलत है तो आंसर है वन क्वेश्चन नंबर वन 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 वायु के परिवहन क्षेत्र का कार्य नहीं है देखिए एयर जब नोस्ट्रिल से एंटर करती है तो नेजल चैम्बर्स फेरिंग्स फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स ट्रेकिया से होती हुई लंग्स के अंदर चली जाती है तो ये जो लंग्स से पहले का जो हिस्सा है नॉर्मली यहाँ पर एयर को बॉडी के टेम्परेचर पर लिया जाता है उसको कूल कर दिया जाता है और उसमें जो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है गैसियर से एक्सेंज यहाँ पे नहीं होता गैसी विनिमय यहाँ पे नहीं होता कंडक्शन जोन में तो यही पूछा गया क्या नहीं होता तो आपके सामने ऑप्शन सामने लिखा हुआ है इसमें क्या काम नहीं होगा बेटा इसके अंदर डज नॉट परफॉर्म गैस एक्सचेंज इसके अंदर नहीं होगा बाकी तीनों काम होंगे ब्रिंगिंग एयर टू तो बॉडी टेम्परेचर भी होगा एड्स मॉइस्चर टू एयर एंटरिंग द लंग्स इन साइड लंग्स ये भी होगा प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स है ये भी रहेगा फोर्थ ऑप्शन नहीं रहेगा नंबर 112, ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट मैच ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट। अब जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, ये यूरिकोटेलिक अगर लिखते थे तो ठीक हो जाता अपन से पूछा गया करेक्ट तो ये तो इनकरेक्ट हो गया दूसरा है बोनी फिशेस एम्फीबिया एंड एक्विटिक इंसेक्ट आर यूरिकोटेलिक ये भी गलत है ये तो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एम्फीबियंस जो है वो यूरिया एक्सक्रीट कर रहा है डिपेंड करता है हैबिटेट क्या है अकॉर्डिंगली वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो जाता है एक्टिक इंसेक्ट्स हैं वो भी अमोनिया एलिमिनेट करते हैं बॉडी से ये दूसरा ऑप्शन भी ठीक नहीं है मैमल्स एंड मैरीन फिश तो मैमल्स जो होते हैं वो और मैरीन फिश यूरिया एलिमिनेशन का इसके अंदर दे रखा है यूरियोटैलिक बता रखा है वो बात ठीक है है ना फोर्थ ऑप्शन है लैंड स्नेल एंड एक्टिक इंसेक्ट्स तो लैंडस्लीन तो बेटा यूरिकोटेलिक होता है नया यूरिकोटेलिक तो ये गलत है अमोनोटेलिक नहीं है तो ये ऑप्शन तो सही है मैमल्स एंड मैरिन फिशेस दे आर यूरियोटेलिक, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर 112 ओके एक-एक क्वेश्चन को अपन बिल्कुल ही एकदम कूलली कामली समझते हुए आगे सॉल्व कर रहे हैं कोई जल्दबाजी नहीं है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 113 113 अभी सब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रूली ए सिस्टेमिक सर्कुलेटरी पाथवे या सिस्टमिक सर्कुलेशन पाथवे तो सिस्टमिक सर्कुलेशन किसे कहते हैं अपन आप हार्ट के डायग्राम को बना के उससे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक हार्ट है थोड़ा सा एक रफ स्केच अगर अपन बना के समझ लें इसके चार चैम्बर्स हैं तो ये जो सर्कुलेशन है लेफ्ट वेंट्रिकल ये राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम चार चैम्बर हैं मान लीजिए अब ये जो सर्कुलेशन है ऑक्सीनेटेड ब्लड निकलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से और ये जाता है किसमें ओरटा में एवोटा ये डिवाइड होता है आगे जाके किस में छोटी छोटी कंपैरेटिवली आर्टरीज के अंदर आर्टरीज़ जो होती हैं वो छोटी छोटी आर्टीरस में डिवाइड होती हैं और ये चली जाती हैं टिश्यू तक ब्लड लेकर ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है अब जब टिश्यू में गैसिया सेक्शेंस हो जाएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा डिऑक्सीनेटेड तो ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड ये मूव करेगा किसमें वस के अंदर से ये जाएगा सीधा वेन्स मिलके क्या बना देती है आपको पता है एक होता है सुपीरियर वेना केवास ब्लडक् इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द राइट इंफीरियर वेनाकेवा विच इज द ब्लड वेसल दैट कैरीज द डिऑक्सीटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द राइट एट्रियम तो दो केवा है सुपीरियर और इंफीरियर वो आके कहा मिलते हैं राइट right एट्रियम में आके मिल जाता है तो डी ब्लड अल्टीमेटली राइट एट्रियम आ जाता है तो यहां से ऑक्सीनेटेड ब्लड निकला टिश्यूज तक गया बॉडी के अंदर पूरे में चला गया वहां से वेन्स के थ्रू फिर वेना केवा के, के थ्रू राइट एट्रियम में आ गया ये क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन आंसर है फोर्थ ठीक क्वेश्चन नंबर वन वन फोर निम्न में से कौन सा विकल्प पीसीटी और डीसीटी के लिए समान है समान नहीं है देखो बड़ा केयरफुली रीड किया तो इसके अंदर जो गलत चीज है वो पूछी गई है समान नहीं है तो समान क्या कहें क्या कि पीसीटी और डीसीटी दोनों नेफ्रोन का भाग है ये बात समान हो गई कॉमन है पीसीटी भी नेफ्रॉन का पार्ट है डीसीटी भी नेफ्रॉन का पार्ट है

इस तरह के एक्टिविटीज दोनों में बाइन कॉमन लेकिन जो कॉमन नहीं है वो क्या है वो होता है माइक्रोविलाई की प्रेजेंस तो डीसी के अंदर माइक्रोविलाई नहीं होती डीसीटी के अंदर सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम होती है डीसीटी में कैसी एपिथीलियम है सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबाइडल एपिथीलियम इट इज फाउंड इन पी तो इसमें पूछा है नॉट कॉमन पूछा है? फोर्थ आंसर है ब्रश बॉर्डर इट इज नॉट कॉमन आंसर फोर्थ निम्न में से कौन से उत्सर्जी पदार्थ को इनके निष्कासन के लिए अधिकतम जल की आवश्यकता होती है तो एक आसान सा सवाल है कि अमोनिया जो एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक इंसेक्ट्स एलिमिनेट करते हैं बॉडी से वो सिंपल डिफ्यूजन से बॉडी की सरफेस से या गिल्स के थ्रू डिफ्यूज आउट हो जाती है और इसको एलिमिनेट करने के लिए सराउंडिंग में पानी का होना जरूरी होता है तो मैक्सिमम वाटर अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस नाइट्रोजनस वेस्ट के एलिमिनेशन में चाहिए होता है तो होता है अमोनिया बाकी यूरिक एसिड का एलिमिनेशन सबसे कम पानी चाहिए होता है उसको ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी सबसे कम पानी चाहिए होता है यूरिक एसिड के एलिमिनेशन के लिए ऑलमोस्ट और सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है अमोनिया के एक्सक्रेशन के लिए अधिकतम जल का आवश्यकता तो अधिकतम जल की आवश्यकता किससे है किसके लिए होती है अमोनिया के लिए ये हो गई अमोनिया आंसर कौन सा हो गया इसके अंदर वन अगर यहां पे मिनिमम लिखा रहता तो आंसर हो जाता थ्री यहां पर आंसर है वन 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 सिक्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आपके

वो कई में हो जाए जैसे हार्ट अटैक है तो उसके अंदर भी क्या होगा कि वेंट्रिकल के अंदर मान ले वेंट्रिकल की वॉल अगर डैमेज हो गई तो भी ब्लड सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो जाएगी तो इसके अंदर अपने को जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है सेकेंड ऑप्शन वो सही है है ना कंजेशन हो रहा है हार्ट के अंदर पंपिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही तो बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी ठीक है ये बात ठीक है हार्ट अटैक इनडिक्ड ब्लड सप्लाई टू कार्डियक मसल अब नेचुरल है कार्डिय मसल तक ब्लड सही से नहीं पहुंच पा रहा तो कार्डियक मसल जब काम नहीं करेंगी तो भी टिश्यूज तक बॉडी टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा ये बात भी ठीक है तो आपस में रिलेटेड हो गए दोनों एक स्टेज पे जा गए फोर्थ स्टेटमेंट है कार्डिय अरेस्ट नैरोइंग ऑफ ऑफ आर्टरी ये कार्डियक अरेस्ट जो होता है ये जो होता है नॉर्मली जो होता है वो ऐसे नोड फेलियर से भी हो सकता है बंडल ऑफ हिस के फेलियर से भी हो सकता है अचानक हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की मसल्स के अंदर जो आप पढ़ते हैं डिपोलराइजेशन की एक्टिविटी है वो सडनली डिस्टर्ब हो जाती है और उसमें हार्ट जो होता है वो अचानक एकदम से काम करना जो कह सकता है ना रुक जाता है बिल्कुल बंद हो जाता है तो ये बड़ा एक सबसे ज्यादा रिस्की कंडीशन अरेस्ट तो कार्डियक अरेस्ट कई वजह से हो सकता है उनमें से एक बड़ी वजह होती है हार्ट की जो मसल्स हैं उनके अंदर होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ये रॉन्ग हो जाएगा तो आंसर हो गया फोर्थ वन वन सिक्स में इसका अभिप्राय क्या है तो ये भी आपको आना चाहिए कि पसलियां जो है बाईस तो बाई का मतलब क्या है कि ये मान लीजिए रिब है अब इसके ये जो है ना ये इसका डॉर्सल एंड है और ये इसका सामने का वेंट्रल एंड है। तो यहां पर तो ये होता है कार्टिलेजिनस एंड जिससे जुड़ा रहता है स्टर्नम से ये हो गई स्टर्नम स्टर्नम ब्रेस्ट बोन ठीक है यहां से तो यह जुड़ गया किससे स्टर्नम से ये वेंट्रल साइड है ये जो डॉर्सल साइड है इस पे जुड़ता है वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्रा से उसके सेंट्रम से जुड़ता है ये बाईसिक होता है इस तरह से ये आके यहां पे जुड़ती है तो इसका डॉ साइड जो होता है ये किससे जुड़ रहा है ये वर्टिप्रल कॉलम की वर्टिप्रा से जुड़ता है अब ऑप्शन पढ़ लें आप ये स्टर्नम तथा कशेरुक दंड से संधि बनाती है इसलिए दुशिरस्त नहीं है ये दो संधि स्थलों से केवल स्टर्नम से जुड़ती है ये भी गलत है इसमें प्रश्न भाग पर दो संधि स्थल पाए जाते हैं तो प्रश्न भाग पर दो संधि स्थल है इसके ये ठीक है इसके एक संधि स्थल प्रश्न भाग पर एक संधि स्थल भाग पर होता है है भी स्टेटमेंट गलत तो यहां पर आंसर क्या हो गया इसमें आंसर हो गया थर्ड दे हैव टू आर्टिकुलेशन पॉइंट्स ऑन डॉस साइड करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा इसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया थ्री हंड्रेड एंड सेवनटीन में करेक्ट आंसर है थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो है 118. नर्व इंपल्स ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन ड्यू टू अब अपने पास में जो न्यूरॉन का डायग्राम है मान लीजिए ये एक न्यूरॉन इस सिनेप्टिक नोवरी सारे का स्ट्रक्चर आप सब बना सकते हैं ये बोर्ड पे मैं आपके सामने ड्रॉ करके बना रहा हूँ ये डेंड्राइट्स हो गए है ना सो दिस इज अ न्यूरॉन अब एक ही डायरेक्शन में इंपल्स जाएगी और वो जाएगी इस डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेल बॉडी एक्सॉन्स पे अवे फ्रॉम सेल बॉडी सेल बॉडी से दूर अब ऐसा क्यों होता है उसमें पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप तो सोडियम पोटेशियम पंप का फंक्शन होता है कि एक न्यूरॉन को वो रेस्टिंग कंडीशन में जब रखता है तो उसको पोलराइज बना के रखता है इसकी वजह से ही काम नहीं होता इसका काम दूसरा होता है दूसरा है प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीत माइलिन शीत तो सिर्फ एक इंसुलेटिंग शीत है जो कि करंट के फ्लो को क्या कह सकते है ना ऑब्सट्रक्ट करती है इंसुलेशन है बेसिकली इससे भी नहीं होगा थर्ड है अगर अपन स्टिमुलस यहां देते हैं अगर अपन स्टिमुलस यहां देते हैं अगर अपन स्टिमुलस यहां पे देते हैं कहीं पे भी अगर आप इसमें स्टिमुलस दीजिएगा तो स्टिमुलस इस इससे दूर ही जाएगा वोल्टेज गेटेड चैनल जो होती हैं, वो एक्सोन पे आगे तक खुलती चली जाती हैं, एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, है ना? फोर्थ ऑप्शन एक बार रीड कर लेते हैं चेंज इन पोलरिटी ऑफ मेम्ब्रेन अकरिंग ओनली फ्रॉम एक्सोन टर्मिनल टुवर्ड्स एक्सॉन हेलॉक ये उल्टी बात कर रहा है ये कभी नहीं होगा टुवर्ड्स एक्सॉन हेलॉक नहीं जाएगी दिस साइट ये जगह कहलाती है एक्सॉन हेलॉक हिल से बना हुआ वर्ड है हिलॉक हिल का मतलब है पहाड़ी ये हिलॉक है ठीक है तो ये इधर नहीं आएगी इंपल्स कभी भी इंपल्स हमेशा दूर जाती है तो आंसर इसके अंदर थर्ड 118 में क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड नाइनटीन अब इसमें पूछा है कि विश्राम कला विभव के द्वारा बनाया जाता है बनाए रखा जाता है तो विश्राम कला विभव जो है ये बनाए रखा जाता है सोडियम पोटेशियम पंप से या लीकी चैनल्स यू मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये मान लीजिए एक एक्सोलेमा है इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है ये सब आप जानते हैं रेस्टिंग कंडीशन में ये पोलराइज स्टेट कंडीशन कहलाती है ध्रुवी अवस्था जिसको आप बोलते हैं अब इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल नहीं है एंजाइम रेस्पॉबल नहीं है न्यूरो रेस्पॉन्सिबल नहीं है न्यूरो ट्रांसमीटर का काम होता है सिर्फ उसकी पोलरिटी को चेंज कर देना है ना चाहे वो सोडियम के लिए हो चाहे वो किसी दूसरे क्लोराइड वगैरह के लिए हो उसको चेंज कर सकता है लेकिन अपन से पूछा गया विश्राम कला विभव या रेस्टिंग मेम्रेन पोटेंशियल तो रेस्टिंग मेम्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसी का होता है एक न्यूरॉन अपनी टोटल एनर्जी का अराउंड 80 परसेंट ऑफ द एनर्जी वो इसी सोडियम पोटेशियम पंप को रन करने में स्पेंड कर देती है जिसकी वजह से जो है वो न्यूरोन हमेशा ऑलवेज वो स्टिमुलस लेने को तैयार रहती है यहाँ पर आंसर हो गया आयनिक पंप सोडियम पोटेशियम पंप है आंसर है थर्ड क्वेश्चन नंबर 120 इसमें पूछा गया है एडिनल ऑफ़ थ्री लेयर्स अब लेयर सीक्वेंस ऑफ लेयर्स फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड तो यहां पर ये आपको स्ट्रक्चर अगर मैं एडिनल का बना के बताऊ तो इसमें ग्लोमेरुलसा सबसे बाहर जोना फेसिकुलेटा ये बीच में ये कॉटेक्स के पार्ट्स हैं और सबसे अंदर होता है जोना रेटिकुलरिस इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ये एडिनल कॉर्टेक्स का ही होता है मेडुला तो छोटा पार्ट है दिस इज एडिनल एडिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के तीन जोन हैं, तीनों के अंदर अलग अलग तरह की सेल्स हैं तीनों से अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं अपने से सिर्फ एनाटॉमिकल पार्ट पूछा है तो इनसाइड साइड टू आउटसाइड पूछा है तो इन है जोना रेटिकुलरिस, उसके बाहर आ जाएगा जोना फेसिकुलेटा और सबसे बाहर आ जाएगा जोना ग्लोमेरोलोसा तो जोना रेटिकुलरिस्ट फेसिकोलेटा और जोना ग्लोमेर 120 में आंसर है सेकंड। सीक्वेंस याद होना चाहिए बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 121। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द hormone नॉट इन्वॉल्व इन शुगर metabolism। शुगर metabolism में जो हार्मोन इन्वॉल्व नहीं है वो कौन सा है इंसुलिन इन्वॉल्व होता है ग्लूकागोन इन्वॉल्व होता है एड्रीनलिन इन्वॉल्व होता है नॉर एड्रीन भी इन्वॉल्व हो सकता है कॉर्टिस होता ही होता है एल्डोस्ट्रॉन ये नहीं होता एल्डोस्ट्रॉन बेसिकली इट इज नोन एज मिन रेलो ये मिनरल्स के अमाउंट को रेगुलेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने बॉडी में ये शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आंसर हो गया एल्डोस्टेरॉन थर्ड क्वेश्चन नंबर 122। आंखों के कोरोइड स्तर के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए अब ये मान लीजिए अपने पास में कोरोइड लेयर की बात हो रहा है, तो नेत्र गोलक का मध्य स्तर बनाता है अगर अपन इसमें कलर यूज करें ये तीन हैं और मान लीजिए एक मैंने ये बना दिया इसके बीच में ऐसे करके ओवरलैप हो गई लाइन थोड़ी सी तो सबसे बाहर है स्क्लेरा उसके बाद में Koroid, और सबसे अंदर होता है रेटिना बेसिक बायोलॉजी है कोई नई चीज नहीं है आपके लिए सब जानते हैं अब ये इसके रिगार्डिंग अपने को इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है तो जब अपन इनकरेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो नेत्र गोलक का मध्य स्तर है तो ये बात सही है इट फॉर्म्स मिडिल आई वॉल दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट प्रेजेंस ऑफ रॉड्स एंड कौन वो इस पर नहीं होती इस पर रॉड और कौन नहीं होते शलाका शंकु नहीं होते आगे जाके ये कोराइड लेयर यहाँ पे सीलियरी बॉडी और ये सस्पेंसरी लिगामेंट और ये आयरिस और इस तरह के स्ट्रक्चर जो है इसी के मॉडिफिकेशन से बनते हैं तो ये बात भी ठीक है ये बात भी ठीक है रक्त रक्तवाणियों युक्त होता है बिल्कुल सही है गहरा नील रंग का होता है डार्क कलर का होता है ये बात भी ठीक है तो क्या सही नहीं है इसमें रॉड्स और कौन होते हैं ये नहीं होते तो आंसर हो गया सेकंड 122 में आंसर है सेकंड 123 ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है देखिए मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू अब इसमें आपको मैच कराना है तो मैच कराने के लिए आपको हार्मोन्स उनके सोर्सेस और उनके टारगेट स्ट्रक्चर्स वो सब पता होने चाहिए तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स वो किस पे काम करते हैं बेटा वो काम करते हैं पिट्यूटरी पे। अगर अपन बात करें टीएसएच की टीएचएस वर्क करेगा थायराइड ग्लैंड पे। अगर अपन बात करें कॉर्टिकोट्रोपिन्स की तो वो वर्क करेंगे कॉर्टेक्स पे जहां पर जहाँ पे उनके रिसेप्टर्स होते हैं अगर अपन बात करें गोने की तो वो एड करेंगे गोनेट्स पर अगर अपन बात करें एमएसएच की तो मिलेसोइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो वर्क करेगा स्किन के ऊपर तो यहां पर फर्स्ट का हो गया फिफ्थ सेकंड का हो गया बी का हो गया थर्ड सी का है सेकंड डी का है ये फोर्थ और ई का है फर्स्ट तो आंसर इज वन 123 में 124 124 में जो बात पूछी गई है वो क्या है रेटिना किसके भीतरी स्तर पर उपस्थित होता है तो अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कोरॉइड के भीतरी स्तर पर है रेटिना अंदर की तरफ है रेटिना फिर बीच में आ गया कोरॉड सबसे बाहर होता है स्क्लेरोटिक लेयर या स्क्लेरा जिसको आप हिंदी में बोलते हो दृढ़ पटल तो यहाँ पर कोराइड के आंतरिक अंत पर उस पर उपतारा नहीं है एक्स एक्वस तरल नहीं है आयरिस नहीं होता सिलियरी बॉडी नहीं होती ये किस किसपे प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है राइड कोराइड की इनर सरफेस पे रेटिना प्रेजेंट होता है ऐसे याद रख लें आप आंसर हो गया वन क्वेश्चन नंबर इट रीड्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द म्यूसाइट ऑफ ह्यूमन इज अब म्यूसाइट सेल्स कैसे होती है बेटा ये डिप्लॉइड सेल्स होती हैं ये याद रखना पड़ेगा आपको मियोसाइट जो है इनको अपन कह देते हैं गेमीट, मदर सेल्स के नाम से भी इनको जानी जाती हैं तो ये कैसी होती हैं डिप्लॉयड होती हैं तो डिप्लॉयड के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा तो आंसर हो गया वन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है 46 125 में आंसर हो गया कौन सा वन 126 आर्ता चक्र की किस प्रावस्था में हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन का श्रावण सबसे अधिक मात्रा में होता है तो अपने को पता है कि साहब जब ग्राफिन फॉलिकल से एग रिलीज होता है ओवलेशन के बाद वो ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है एक टेम्पर एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में जिसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो सिक्रिएट करता है प्रोजेस्टेर तो यहां पर आंसर है ल्यूटियल प्रावस्था यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रिएट होगा लार्ज अमाउंट में कॉर्पस ल्यूटियम से है।, है ना फॉलिकुलर फेज में प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है ओवुलेटरी फेज के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है उसके बाद जो उसका लेवल बढ़ता है मेंस्ट्रुअल फेज में नहीं होता तो आंसर क्या है थर्ड ल्यूटियल फेज क्वेश्चन नंबर 127 इसमें पूछा गया है कि मादा में गर्भ निरोधक की एक स्थाई विधि है स्थाई का मतलब होता है इरिवर्सेबल स्थायी का मीनिंग क्या है बेटा यहां पर स्थाई का मीनिंग है इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणी तो ओरल पिल्स ये रिवर्सिबल हैं, है डिवाइसेस मर्जी पे निकाल सकते हैं इम्प्लांट्स इनकी सेट लाइफ होती है उसके बाद ही काम नहीं करते इनको बैठाया जा सकता है टिबेक्टोमी ये बाई इन लार्ज इरिवर्सिबल मेथड माना जाता है टर्मिनल मेथड ऑफ प्रेगनेंसी जब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और बच्चे नहीं चाहिए उस केस के अंदर जो कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है वो क्या है ट्यूबेक्टोमी इसको हिंदी में बोलते हैं अपन नलिका उच्छेदन आंसर है फोर्थ 127 में 128 स्मैक इज अ ड्रग ऑप्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपर सोमनीफेरम कैनाबिस सॉरी दिस इज दीव कैना भी इससे नहीं है दतूरा के फ्लावर से नहीं है इिथ्रोजैलम कोका के फ्रूट से नहीं है तो किससे ये अफीम का जो पौधा होता है ना ओपीएम का पेपरवर सोमनी उसका जो Uh, क्या कहते हैं ना एल्कोलॉइड एंड लेटेक्स उससे ऑप्टेन करते हैं स्मैक व्हाइट कलर का कंपाउंड है ऑर्डरलेस कंपाउंड होता है इसको एज ए नार्कोटिक यूज किया जाता है नशे के लिए यूज किया जाता है स्मैक तो यहां पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि किससे ऑप्टेन करते हैं तो आपको प्लांट का नाम याद रखना पड़ेगा प्लांट का नाम है पेपेवर सोमनीफेरम उसके लेटेक्स से मिलता है क्वेश्चन नंबर 129 निम्न में से ओपियोइड नॉर्कोटिक है ओपियोइड नॉर्कोटिक बात वही आ जाती है ओपियम का डेरिवेटिव है ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ओपियोइड नॉर्कोटिक कहलाता है अब ये ओपियोइड नॉर्कोटिक की कैटेगरी में एम्फेटामिन नहीं आते बारबी नहीं आते लाइसर्जिक एसिड डाइथेलमाइड ये फंगस से ऑप्टेन होता है है ना मॉर्फिन जो है ये जरूर ये ओपियाइड नारकोटिक है इसका नाम अपन ने अभी भी, भी क्वेश्चन में लिया पेपावर सोमनी फेरम उसी के जो रेजिन्स तो उसको मॉडिफाई करके ये एक ड्रग है जिसको अपन इस्तेमाल करते हैं पेन किलर में आजकल और अच्छे पेन किलर्स आ गए इसके अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशन हो गया अदरवाइज पहले के टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता था इससे नशा आता नींद आती है बेसिकली दर्द दूर हो जाता है ठीक है तो आंसर हो गया यहाँ पे सेकंड ओपियड नार्कोटिक ओपियड रिसेप्टर से जुड़कर अपना काम करते हैं इसलिए क्या लाते हैं ओपियड नार्कोटिक आंसर इज सेकंड 129 में अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 130 थर्टी विच आर द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड्स बैक्टीरियल डिजीजेस अब इसमें टिटनस क्लोस्टिडियम टिटनाइज से हो रही है ट्यूबर टीबी माइको बैक्टीरियम से हो रही है

है ना इसी तरह से मलेरिया प्रोटोजोन से हो रहा है मम्स वायरस से है, ये पोलियो जो है ये सारे जो है एक सी बीमारियां सेलेक्ट करनी जो कि किससे हो रही हैं बैक्टीरिया से हो रही हैं है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया से हो रही हैं पैथोजन यहां पर एक बैक्टीरिया है तो आंसर है सेकेंड डिप्थीरिया क्वेश्चन नंबर है वन इसके अंदर डिप्थीरिया एंड प्लेग 131 विभिन्नता है अब ये इवोल्यूशन का क्वेश्चन है वेरिएशन किसे कहेंगे वेरिएशन इज द डिग्री बाय द बायोजनी डिफर्स फ्रॉम पेरेंट्स याद रखें ना आप विभिन्नताएं क्या होती हैं ये एक इस प्रकार का फीचर है जिसके अंदर संतति जो होती है अपने जनकों से भिन्न होती है उसी को अपन विभिन्नता कहते हैं बायोलॉजी की एंगल्स में तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही लिख रखा है जनक व संतति के लक्षणों में असमानता की कोटि है ना समानता की कोटि नहीं है जनक यह प्रक्रिया जिसमें लक्षण जनक से संततियों में जाते हैं तदरूप यानी कि ट्यूब रीडिंग लाइन वो भी नहीं है है ना तो इट इज द डिग्री बाय डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इट इज कॉल्ड वेरिएशन तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट प्रोजेनि डिफर्स फ्रॉम देयर डिफरेंस है बेसिकली आंसर है प्रपोज फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर तो देखिए प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मैटर से जहां पर जो की लाइन है ना बड़ा केयरफुली रीड करें तो आपको मिल जाएगा की लाइन क्या है फर्स्ट लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग प्री लाइफ। जीवन, किसी पहले से उपस्थित जीवन से ही आता है। ये इन्होंने बताया था इन्होंने ये नहीं बताया कि पहले जीव कैसे आए थे लुइस पास्टर ने ये नहीं बताया था कि पहले जीव फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वो कैसे आए थे वो नहीं बताया था उन्होंने ओपरिन और हार्डिन ये वो थ्योरी है जिस पे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था मिलर और उरेन ने डारविन ने ये बात नहीं कही थी तो आपसे ये साइंटिस्ट का जो नाम है उसके साथ में आपको उसके जो कंट्रीब्यूशन है ना वो याद रखना होगा यहाँ पे तो ये जो थ्योरी दी गई थी ये दिया गया था ओपर और हार्डेन के थ्रू है ना मिलर और उरे ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको फाइनली प्रूव करके बताया था तो यहां पर आंसर हो जाएगा सेकंड ओपेरनल हार्ले 133 डार्विन के अनुसार विभिन्नताएं हैं वेरिएशंस है, जो होती हैं डार्विन नहीं बताया था कि सब ये विभिन्नताएं जो होती हैं वेरिएशंस जो होते हैं ये छोटे-छोटे वेरिएशंस होते हैं और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं ये डायरेक्शन से मतलब क्या है यहां पे डायरेक्शन से मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ इवॉल्व हुआ है अकॉर्डिंग टू डार्विन कैसे नहीं कर सकते तो ये स्लो प्रोसेस है जो लाखों करोड़ों साल में होता है जिसको अपन आंखों से नहीं दे सकते छोटे छोटे प्रोसेस है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पे दिशात्मक का मतलब क्या है दिशात्मक का मतलब ये है कि डार्विन के अकॉर्डिंगली सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ से यानी कि सरलता से जटिलता की तरफ हुई विकास के चेंजेस ये डायरेक्शन। तो यहां पे छोटे छोटे वेरिएशंस हैं, जो कि कैसे होते हैं डायरेक्शन अगर आपसे कोई पूछ ले यूगोडिवरिस की थ्योरी थी तो उसके अंदर ये जो म्यूटेशंस होते हैं वो ये होते हैं लार्ज एंड डायरेक्शनल एस ठीक है तो यहां पर आंसर है वन वन थर्टी फोर निम्न में से कौन से अंगों अंगों का कौन सा युग्म समान पूर्वज साझा करते हैं देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स पे है इसके अंदर अपन देखें ये कौन कौन से किस तरह के ऑर्गन है यहाँ पे एंसेस्टर कॉमन होगा ऑक्टोपस और मैमल्स की आईज़ ऑक्टोपस इन्वर्टिब्रेट है ठीक है उसकी और ह्यूमन आई या मेवेलियन आई काम तो देखने का कर रही है लेकिन एंसेस्टर उसकी कॉमन नहीं है अलग अलग एंसेस्टर से आईज़ की इनहेरिटेंस हुई है दूसरा फ्लिपर्स ऑफ पेंगविन एंड डॉल्फिन पेंग्विन चिड़िया है बर्ड है डॉल्फिन एक मैमल है

पोटैटो स्टेम और स्वीट पोटेटो रूट ये एनालॉगी टाइप का है तो सही आंसर है यहाँ पे थर्ड वेल चमगा चीता मनुष्य के अग्रपात समान पूर्वज इनकी इनहेरिटेंस एक से से हुई है क्वेश्चन नंबर 135 थर्टी फाइव हंड्रेड विद स्टोन वीपन बट एसेंशली एट फ्रूट इज एसोसिएटेड विदीआर की लाइन सीधा वहां से लिया हुआ क्वेश्चन है यो अप्लाई होता है किस पे सीधा ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे या ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस ठीक है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ड्रायोपिथेकस वो पेड़ पर पे रहने वाला था उसमें इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं थी जो यहाँ पे लिख रखी है रामापिथेकस बाईन लार्ज एक से थे ये ज़मीन पे रहते थे ये पेड़ पर पे रहते थे ऑस्टेलोपिथेसियंस ये इनसे इवॉल्व हुआ है तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये था तो हर भी वोर लेकिन ये पत्थरों से अपनी सेफ्टी करता था आप समझ पा रहे होंगे इसमें लेकर शिकार करते थे है ना फलों का ही भोजन करता था पत्थर के हथियारों से शिकार करता था उस शिकार को खाता नहीं था ये शिकार बेसिकली अपने प्रोटेक्शन के लिए करता था अपने के बचाव में ताकि कोई इस आक्रमण नहीं करे तो आंसर हो गया यहां पे ऑस्ट्रेलो पिथेकस थर्ड अब आइए इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वो वाले क्वेश्चन है जहां पे आपको थोड़ा सा चॉइस रहती है कि कोई क्वेश्चन को अगर आप टफ लगता है आपको अगर आपको कंफ्यूजन है कंसेप्ट क्लियर नहीं है गलत होने का डर है तो उसमें आपको जो है थोड़ी सी चॉइस दे देती है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो ये वो वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। अब इसमें पूछा गया शेडिंग ऑफ स्किन इज कॉमन फिनोमिना इन वर्टिब्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल शेड देर कास्ट। है ना अपनी स्किन को उतारना किस रूप में एक कास्ट के रूप पूरा का पूरा एक उतरेगी वो तो ये केंचुली उतारने का काम या तो लेर्ट्स कर सकती हैं या फिर ये स्नेक्स कर सकते हैं ये काम कछुए में किलोन में टर्टल्स में नहीं होता ये मगरमच्छ में नहीं होता वहां पे यह जमा होते जाते हैं स्क्यूट्स के फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में ये अलग अलग रेप्टाइल्स में जमा होते जाते हैं लेकिन जो लेजर्ड्स होती हैं और जो स्नेक्स होते हैं उनके अंदर बाकायदा पूरी पूरी जो स्केल्स होते हैं वो एज सच जो है वो किस रूप में किस फॉर्म में उभरता है एज ए कास्ट कास्ट का मतलब होता है एग्जैक्टली exactly उसी कॉपी उसका एक कवर जैसे मान लीजिए ये एक स्नेक है फॉर एग्जाम्पल तो ये इसकी कास्ट ऐसी छोड़ता हुआ चलता है ये आगे निकल जाता है स्नेक और ये कास्ट पीछे छोड़ता चला जाता है धीरे धीरे जैसे अपन इस हाथ को मैं करके बताऊं स्नेक आगे बढ़ता जाएगा कास्ट पीछे निकलती चली जाएगी ऐसा कैसा के अंदर होता है पर answer है लेकिन bueno, क्रोकोडाइल में नहीं होगा लिजर्ड में होगा लेकिन किलोन में नहीं होगा यहां पर एक ऐसा दे रहेगा जिसमें होगा दूसरे में नहीं होगा लेकिन यहाँ पर दोनों में ये कास्टिंग उतारी जाएंगी आंसर तो हो गया थर्ड किलोन में ऐसा नहीं होता है ना क्रोकोडाइल में ऐसा नहीं होता इसके अंदर होगा इसके अंदर होगा इसके अंदर होगा यहां पे दोनों में हो जाएगा स्नेक्स और लिजर्ड तो आंसर हो गया थर्ड वन थर्टी सेवन टोटल लंग कैपेसिटी एंड वाइटल कैपेसिटी हैज माइनर वॉल्यूमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ईच अदर इट इज अबाउट फेफड़ों की कुल फुफ्फुसी क्षमता व जैव क्षमता के आयतन में आंशिक अंतर है ये अंतर कितना होता है तो आपको ये पता होना चाहिए ये वैल्यू याद रख सकते हैं आप इसमें इस जो वाइटल कैपेसिटी जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं जैव क्षमता ये है करीब कितनी है फोर थाउजेंड सिक्स और इसी तरह से टोटल लंग कैपेसिटी ये होती है करीब 5800 सीसी अगर आप इसको माइनस करें अपन से ये तो पूछा गया है माइनर वॉल्यूमेट्रिक डिफरेंस है ना आंशिक अंतर है ये अंतर कितना होता है लगभग तो ये अंतर आप इसको माइनस कर दीजिए तो ये अंतर आ जाएगा 5800 थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस फोर थाउजेंड सिक्स करीब 1200 हंड्रेड आ जाएगा 1100 हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर और एम एक ही बात होती है आंसर है सेकेंड ठीक है ये डिफरेंस आना चाहिए वॉल्यूम याद रखना तो वॉल्यूम से आपका ये कैपेसिटी निकल जाएंगी कैपेसिटी से आपने दोनों को माइनस किया बेसिकली इसके अंदर जो लंग्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है ना रेजिडुअल वॉल्यूम होता है उसको इंक्लूड नहीं किया गया तो वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता इसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है एक रेसिंग कंडीशन में लंग्स के अंदर मैक्सिमम जो होती है कितना वॉल्यूम इकट्ठा रह सकता है ये डेफिनेशन आप एनसीईआरटी से रीड कर सकते हैं सबके अलग अलग डेफिनेशन होती है क्वेश्चन नंबर 138 इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया रेस्पेक्टिवली एक ह्यूमन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें से किसमें मैक्सिमम यूरिया होगी तो लिवर जो होता है वहां पे यूरिया का फॉर्मेशन होता है आपको पता है ऑर्नेथिन साइकिल से लिवर से जब ब्लड निकलता है ये किससे निकलेगा बेटा ये निकलेगा हिपैटिक वेन से अब ये हिपैटिक वेन ये ब्लड ये यूरिया लेके जा रहा है हिपैटिक वेन ये जाके मिल जाएगी इंफीरियर वेना केवा और ये जाके मिल जाएगा किसमें राइट एट्रियम में ब्लड सर्कुलेटरी पाथवे आना चाहिए पूरा राइट एट्रियम से ये जाएगा लंग्स के अंदर लंग्स से फिर ये ब्लड ऑक्सीनेटेड होगा ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे लिख रहा हूँ मैं सिंपली लंग्स से फिर ये आएगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड एवोर्टा से बाहर एवोर्टा की ब्रांचेस कौन सी वाली ब्रांच ये रीनल आर्टरी उसके अंदर ये यूरिया रीनल आर्टरी तो ये यूरिया जो होती है रीनल आर्टरी के थ्रू किसमें एंटर कर रही है किडनी में ऐसे समझ लीजिए आप रिनल आर्टरी यूरिया को कहाँ ले जा रही है किडनी में अब किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन हो गया यूरिया को अपन ने यूरिन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जितनी रखनी थी उसने किडनी में रह जाती बाकी सारी एलिमिनेट हो जाती है अब किडनी से जो ब्लड बाहर आएगा उसके अंदर यूरिया का अमाउंट कंपेरेटिवली कम हो जाएगा तो किडनी से जो ब्लड बाहर आता है वो किसके थ्रू आता है वो आता है रीनल वेन के थ्रू इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं अपने से क्या पूछा गया मैक्सिमम तो मैक्सिमम हिपैटिक वेन फिर पूछा गया मिनिमम ये मिनिमम मिनिमम क्या हो गया मिनिमम हो गया रिनल अब आप इसमें से आंसर सेलेक्ट कर लीजिए 138 में आपके सामने इसका सॉल्यूशन है आंसर है यक्रशिरा और वृक्षशिरा रीनल वेन फोर्थ आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर 139 रेड मसल फाइबर्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम व्हाइट मसल फाइबर्स एज द फॉर्मर हैव लाल पेशी तंतु को श्वेत पेशी तंतुओं लाल पेशी तंतु श्वेत पेशी तंतुओं से भिन्न होते हैं क्योंकि लाल पेशी तंतुओं में कम संख्या में माइट्रोकॉन्डेरिया पाए जाते हैं नहीं ये गलत स्टेटमेंट है कम अवधि के लिए तीव्र संकुचन होता है ल्प सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है चौथा है इनमें ईटी उत्पादन की मुख्य विधि एवाईवी श्वसन है अब आप इसको गौर से रीड करें वन थर्टी नाइन को तो लाल पेशी तंतुओं का फीचर आपको देखना है बेसिकली तो लाल पेशी तंतुओं में क्या होता है कम माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी होते हैं इसके अंदर तो ज्यादा होते हैं फास्ट रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन फॉर शॉर्ट पीरियड फॉर्मर के लिए पूछे देखो फॉर्मर फॉर्मर का मतलब हो गया इसके लिए प्लाजमिक रेटिकुलम ये ठीक है फास्ट कॉन्ट्रेक्शन फॉर शॉर्ट पीरियड एनोरोबिक रेस्पिरेशन एज मेन मोड ऑफ एटीपी जनरेशन तो एनोरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है इनरबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो तो वाइट मसल्स के जहाँ पे माइट्रोकॉन्ट्रिया का नंबर कम होता है वहां पर होता है तो कम अवधि के लिए तीव्र संकुचन होगा ये बात लागू नहीं होती है ना ये बात किस पे लागू होती है कम अवधि के लिए तीव्र संकुचन ये लागू होती है वाइट मसल फाइबर्स के लिए है ना जहाँ पे आपको पता माइट्रोकॉन्ट्रिया कम होता है तो रेड मसल फाइबर के अंदर जो फीचर है जो इसको व्हाइट मसल से डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो है लेस डेवलप्ड सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम ये सारी चीजें उल्टी लिखी हुई है एनोरबिक रेस्पिरेशन ये किसके अंदर हो रहा है व्हाइट के अंदर हो रहा है ये भी गलत हो जाएगा फास्ट रेट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ये भी व्हाइट मसल के लिए लिख रखा है इसलिए भी गलत हो जाएगा अपने से पूछा है रेड मसल के लिए तो रेड मसल के लिए ये बात ठीक है अल्प विकसित सार्को रेटिकुलम पाई जाती है ये स्टेटमेंट व्हाइट मसल पे अप्लाई होता है पूछा क्या गया है लाल पेशी तंतु के लिए आंसर है थर्ड ठीक है सब तो ये हो गया वन फोर्ट थर्टी नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन फोर्टी विद्रोहण पुनर्द्रोहण के दौरान एक्सोलेमा में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है अब आपको ये पता है कि ये जो प्रोसेस है डिपोलराइजेशन का एक तो कंडीशन हो गई है कि साहब बाहर की सरफेस नेगेटिव हो गई अंदर की पॉजिटिव हो गई ये कहलाती है विद्रोहण या अंग्रेजी में डिपोलराइजेशन ये किसकी वजह से हुआ ये ओपन हुआ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होने से सोडियम दे एंटर इन द एक्सोप्लाज्म सोडियम अंदर आया इसलिए अंदर की सरफेस उस जगह से जहां पर वो अंदर आया था तो तो पोटेशियम चैनल ओपन हो जाती हैं और उससे पोटेशियम आयंस बाहर जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि बाहर की सरफेस एक्सोलेमा की आउटर सरफेस दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड इनसाइड एट दैट पॉइंट नेगेटिवली चार्ज ये रिपोलराइजेशन है तो यहां पर ओपनिंग किसकी हो रही है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल इनकी ओपन होने से पोटेशियम बाहर जाते हैं और ये रिपोलराइजेशन हो जाता तो है तो अपन से पूछा गया ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन पुनर्द्रोवण के समय कौन सा परिवर्तन होगा वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खोल जाते हैं सोडियम पोटेशियम पंप एनिबेटर नहीं होता ये तो खुला रहता है ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ये भी नहीं है एंड डिक्रीज परमिबिटी ऑफ पोटेशियम लीकी चैनल्स ये भी नहीं है लीकी चैनल तो खुली रहती हैं लेकिन ये रिपोलराइजेशन की वजह नहीं होती यहाँ पर आंसर क्या हो गया बेटा आंसर हो गया फोर्थ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल का खुलना फिर आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 141 पूछा गया तंतु विस्तृप सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है यह मसल कॉन्ट्रेक्शन की थ्योरी है इस थ्योरी में अपन क्या पढ़ते हैं कि दो तरफ दो जेड लाइन दो जेड लाइन के बीच के अंदर एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं व्यवस्थित हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दोनों जेड लाइन आपस में नज़दीक आ जाती हैं सारकोमियर की लेंथ है वो कम हो जाती है और एक्टिन के फिलामेंट्स या थिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं न तो एक्टिन की लेंथ कम होगी ना मायोसिन की लेंथ कम होगी इट इज ओनली दैट द एक्टिन दिस स्लाइड पास ओवर मायोसिन फिलामेंट्स ये थ्योरी इसीलिए कहलाती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना फिलामेंट्स का एक दूसरे पर फिसलना कौन किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है एक्टिन का फिलामेंट मायोसिन के फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है यह थ्योरी आपको कहलाती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अब इसमें स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को गलत स्टेटमेंट मिलेंगे लेकिन सही स्टेटमेंट ये लिख रखा है कि एक्टिन और मायोसिन तंतु विसर्पी गति के दौरान छोटे नहीं होते हैं अपितु एक दूसरे पर विसर्पण करते हैं तो इसके अंदर जो आंसर है वो क्या है थर्ड है एक दूसरे पर स्लाइड पास होते हैं है ना थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर एक्टिन इन इन फिलामेंट डू नॉट स्लाइड पास इधर। क्योंकि बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है एक्ट इन माओसिन शॉर्ट नहीं होगा मायोसिन शॉर्ट नहीं होगा ये सारे स्टेटमेंट इन करेक्ट है थर्ड इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन कार्यों तथा तो संबंधित रचनाओं के असुमिलित युग्म का चयन कीजिए तो इसके अंदर आपको जो पढ़ना है चार ऑप्शंस को ये ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन है कंपनों की बढ़ती हुई तीव्रता अस्त, कर्णस्थिकाएं जैसे अपन पढ़ते हैं मैलियस इनका सिस्टेपेस इनका फंक्शन क्या होता है कि ये साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करने में उनकी तीव्रता को पढ़ाने में काफी हेल्पफुल होती हैं। अपने को ढूंढना सेकेंड तो है साउंड परसेप्शन बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉकलिया बिल्कुल सही है जहां पे ऑर्गन ऑफ कोटा ही प्रेजेंट होता है बेसिलर मेम्ब्रेन पे वो साउंड का परसेप्शन यानी कि उसको ध्वनि को ग्रहण करता है शरीर का संतुलन बनाए रखने के अंदर ऑटोलिथ ऑर्गन है बिल्कुल सही है इसको थोड़ा सा केयरफुली रीड करें आप देखो तो इसके अंदर आपको फोर्थ ऑप्शन पड़ेगा कि मैक्यूला ल्यूटिया ये बेसिकली आई के अंदर प्रेजेंट होता है न कि यूट्रिकल के अंदर तो यहां पे आपको खाली मैक्यूला लिखा रहता ना तो फिर भी आप एक बार सोच सकते बहुत ही Uh, कह सकते हैं ना अपन केयरफुली अगर अपन रीड करें ये वर्ड है ना बेटा ये गलत है ठीक है बाकी ये सही है ये सही है मैक्यूलर ल्यूटिया तो आंख के अंदर होता है आई के रेटिना में होता है और वहां पर ये विजन से रिलेटेड है जहां पे आप कहते हो तो मेनली कौन से प्रेजेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर 143 143 इसमें पूछा गया है ओ साइड से सेकंड पोलर बॉडी द्वितीय ध्रुवीय का है ये कब निकलती है तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेकंड पोलर बॉडी है उसका बाहर आना अंडोस्क से पहले हो ही नहीं सकता अंडोस्क से पहले जो पोलर बॉडी भारत आती है वो होती फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे पूछा गया सेकंड पोलर बॉडी बिफोर ओवलेशन फर्स्ट आएगी साइमल्टेनियसली विद फर्स्ट क्लीवेज क्लीवेज तो कब होगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्ट फर्स्ट क्लीवेज के साथ नहीं आती उससे पहले आती है आफ्टर एंट्री ऑफ आफ दिस तो ये आंसर सही है एंट्री जब स्पम की होती है तो उसके बाद में स्पम की एंट्री वो जो सेकेंड म्योटिक डिवीजन है वो पूरा कर देती है और उससे जो सेल है वो हेप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है ओवम की बात कर रहा हूँ मैं आपसे तो आंसर यहाँ पे थर्ड है ओवुलेशन के तुरंत बाद नहीं होगी ओवुलेशन के तुरंत बाद तो जो है स्पम पेनिट्रेट किया या नहीं किया कंडीशन पर डिपेंड करता है तो यहाँ पर सही आंसर क्या है थर्ड आफ्टर एंट्री ऑफ स्पम 143 में आंसर इज 3 144 फोर्टी फोर विच ऑर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वॉसेक्टमी वासेक्टोमी के कॉन्टेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है तो वासेक्टमी में ये आपको पता है कि साहब शुक्रवाक को काट कर बांध दिया जाता है वास्टिफ्रेंशिया इज कट एंड टाइट विदाउट स्प बिल्कुल सही है जब डेफरेंस को कट कर दिया तो सीमन में स्पॉम्प नहीं होंगे नो स्पी प्रत स्टेटमेंट हो, तो हो गए क्योंकि वहां पर कपन ने कोई रास्ता ऑब्सट्रक्ट नहीं किया है स्पम फॉर्मेशन कंटिन्यूस इन सेमिनिफेर ट्यूबूल ये भी सही है तो आंसर कौन सा इसके अंदर हो जाएगा थर्ड ठीक है वन फोर्टी फॉलोइ कंपोनेट डॉट पार्टिसिपेट इन इन इम्यूनिटी शरीर की बॉडी की जो खुद की इम्यूनिटी है, है. तो तो पार्टिसिपेट करती ही है, है माइक्रोफेज पार्टिसिपेट करते हैं नेचुरल किलर सेल पार्टिसिपेट करती है लिए जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये एंटीजन को फेस करके जो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं कुछ तो बना देती हैं प्लाज्मा सेल्स जिससे एंटीबॉडी बनेंगी और कुछ कन्वर्ट हो जाती हैं मेमोरी सेल्स के अंदर जो कि फ्यूचर में जब वो एंटीजन का दोबारा से उसको फेस किया जाता है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए होती हैं तो जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये इननेट इम्यूनिटी के अंदर इनका रोल नहीं होता ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है आंसर है थर्ड वन फोर्टी सिक्स ए डिजीज कॉज बाय एन एलोसोमल प्राइमरी नॉन डिजंक्शन अपने बॉडी में कितनी तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं दो एक होते हैं ऑटोसोम्स जिसको आप हिंदी में बोलते हो का एक गुण सूत्र एक होते हैं एलोसोम्स जिनको अपन बोलते हैं लिंग गुणसूत्र ठीक है अब ये ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। ऑटोसोम्स के अंदर नॉट गुणसूत्रों का पूछा है यहां पे प्राथमिक अवियोजन गुणसूत्र जब पृथक नहीं हो पाते तो उसको अपन क्या बोल देंगे अवियोजन नॉर्मली वो वियोजित हो जाते हैं अलग हो जाते हैं पृथक हो जाते हैं लेकिन अगर पृथक नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा अपृथककरण या एवियोजन तो उस एवियोजन या अपृथककरण के कारण से जो डिजीज होती हैं वो कहलाती है गुणसूत्रीय अनियमितता अब ये दो तरह के गुणसूत्र हैं अगर, अगर अपन इन अनियमितता को देखें तो ये डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम्स के अंदर होता है ट्राइसोमी हो जाती है अठारहवें गुणसूत्र के अंदर तो वो ऑटोसोम है सिकल सेल एनीमिया ये जो है म्यूटेशन की वजह से होता है उत्परिवर्तन और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम ये जरूर ये इस तरह से है एक्स एक्स वाई जीनो टाइप इसके अंदर एक एक्स ट्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है एल्बिनिज्म ये भी जो है इसके अंदर एक जो जो बनता है बॉडी की स्किन के अंदर जो डिपॉजिट होता है पिगमेंट वो नहीं बन पाता ये नॉन डिजंक्शन का इसके पीछे रीजन नहीं है तो यहाँ पर नॉन डिजंक्शन जो है कौन से वाले के अंदर है एलोसोम एलोसोमल नॉन डिस्जंक्शन किसके अंदर हो रहा है ये हो रहा है क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम आपके सामने जीनो लिखा हुआ है ये अगर अपन लिखना चाहें प्लस एक्स एक्स वाई भी लिख सकते हैं पृथक हो जाना चाहिए था लेकिन पृथक नहीं हुआ सेपरेट हो जाना चाहिए था लेकिन सेपरेट नहीं हुआ कौन सा क्रोमोसोम एलोसोम है ना लिंग गुणसूत्र सूत्र क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम का जीनोटाइप है 44 फोर प्लस एक्स एस वाई टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने इसके अंदर 47 सैतालीस 47. तो आंसर है थर्ड 147 थर्डी सेवन ऑफ लिंकेज ग्रुप इनिंग 18 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर एक कोशिका जिसमें 18 जोड़ी गुणसूत्र हैं उसमें सैलग्नता समूहों की संख्या कितनी होगी तो ये तो याद रखने वाली बात है कि जितने गुणसूत्र हैं द्विगणित कोशिका के अंदर उसके अंदर उतने ही लिंकेज ग्रुप होते हैं अगर 18 जोड़ी गुणसूत्र हैं तो उसके अंदर 18 जोड़ी ही क्या है लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो यहां पर आंसर हो जाएगा कौन सा 18 ये याद रखना पड़ेगा आपको जितने भी लिंकेज ग्रुप हैं उनका नंबर जो डिप्लॉइड सेल्स हैं उनके अंदर जो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनके बराबर होता है तो अगर अपने पास में 46 सिक्स क्रोमोसोम है तो 46 सिक्स लिंकेज ग्रुप होंगे डिप्लॉयड सेल के अंदर अगर कहीं पे आपको मेंशन किया गया है कि इसके अंदर 18 18 क्रोमोसोम्स हैं तो 18 लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे आंसर है थर्ड 148 फोर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन इन्वॉल्व एरर ऑफ मेटाबोलिज्म निम्न में से कौन सा रोग एक जन्म तो कैटेगरी में डालते हैं तो ये सिकल ये ये सेल एनीमिया आपने देखा ये म्यूटेशन की वजह से हो गया सेल आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है इसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें ग्लुटामिक्स पोजीशन पे है ना वेलिन वाला रिप्लेसमेंट वो आपको याद होगा हिमोफीलिया एक्स लिंक्ड है डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है फिनाइल कीटोन्यूरिया ये इनवॉर्नर ऑफ मेटाबोलिज्म इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है इसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एब्सेंस के अंदर फिनाइल एलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता फिनाइल ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोन्यूरिया डाउन सिंड्रोम ये ट्राइसोमी है इमोफीलिया एक्स लिंक्ड है ये इनबॉर्न ऑफ मेटाबॉलिज्म की कैटेगरी में नहीं आते जिसमें मेटाबॉलिज्म सीधा अफेक्ट हो रहा है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया वो क्या हो रहा है फिनाइल एलेनिन एक अमीनो एसिड है उसका मेटाबॉलिज्म आगे नहीं हो पाता ये कहलाता है एक एंजाइम की कमी से पूरा का पूरा मेटाबॉलिक पाथ वो डिस्टर्ब हो गया आगे के बनने वाले कंपाउंड हैं जैसे मैंने आपको नाम बताया उन्हीं में कई नाम इसी से बनते हैं कई चीजें जैसे, जैसे मिलेनिन है वो भी इसी से बनेगा स्किन का पिगमेंट आगे जाके टायरोसिन बनता है जिससे थायरोक्सिन बनेगा वो भी इसी से बनता है आगे जाके एड्रिन नॉर एड्रिलिन बनेंगे वो भी इसी से बनते हैं तो जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीज नहीं होगा तो उससे फिनाइल एलेनिन का मेटाबोलिज्म रुक जाएगा और उससे आगे बनने वाले प्रोडक्ट्स वो नहीं बन पाएंगे पूरे बॉडी की फिजियोलॉजी वो डिस्टर्ब हो जाती है बच्चे की डेथ हो जाती है बहुत जल्दी तो आंसर है फोर्थ ठीक है <laughs> 149 फोर्टी नाइन विच वन कैन बी यूज एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम एज वॉज डन इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम को बिल्कुल जैसे अपने पास है मान लीजिए 46 सिक्स क्रोमोसोम फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम पे आज की तारीख पे आपको यह पता है कि फर्स्ट क्रोमोसोम पे कौन कौन से जीन्स हैं सेकंड क्रोमोसोम पे कौन कौन से जीन्स हैं एंड सो ऑन यह है, so ये है तो ये इनको तैयार करना ये किसके लिए पॉसिबल हो पाया ये पॉसिबल हो जेनेटिक मैप्स फर्स्ट है इसके अंदर आंसर जेनेटिक मैप्स जेनेटिक मैप्स का मतलब है कि हर क्रोमोसोम पे जो जीन की लोकेशन है उस पे उसको शो करना उसको डिस्प्ले करना और उसके बाद उसके फंक्शन को डिफाइन करना कि पर्टिकुलर जीन मान लीजिए इंसुलिन सिंथेसिस का जीन है वो कहाँ पर है और क्या काम कर रहा है दूसरा कोई हार्मोन है उसका जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पे क्या काम कर रहा है ये पूरे जीनोम को तैयार कर लिया जीनोम को तैयार करने के लिए आपको म्यूटेशन की स्टडी नहीं करनी जेनेटिक ड्रिफ्ट की स्टडी नहीं करनी टेस्ट क्रॉस नहीं कराना तो जेनेटिक मैप से ये काम किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 150। इसमें पूछा गया डार्विन के अनुसार उपयुक्त यानी कि फिटनेस क्या है तो फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इफ एन ऑर्गेनिज्म अगर कोई ऑर्गेनिज्म जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी कि संतति छोड़ के इस दुनिया को अलविदा कहता है या मर जाता है वो उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहता है तो डार्विन का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का इस धरती पे या पूरे यूं कह सकते हैं ना अपन अर्थ पे सर्वाइव करना बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितनी संतति छोड़ के कितने ऑफस्प्रिंग छोड़ के वो मरता है तो जितने ज्यादा छोड़ेगा उतने ज्यादा बचने के चांसेस होंगे बचने के चांसेस होंगे तो अगली जनरेशन आने के चांसेस होंगे और वो जो स्पीशीज है वो आने वाले टाइम पे बनी रहेगी ये है रिप्रोडक्टिव फिटनेस सीधा सीधा है रिप्रोडक्टिव फिटनेस ठीक है ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं इस ऑप्शन में रिप्रोडक्टिव फिटनेस ये डार्विन का कंसेप्ट है लेस फिट इन एनवायरमेंट प्रोड्यूस मोर प्रोजेनी ये भी नहीं होगा बेटर फिट इन द एनवाइ डू नॉट रिक्वायर टू प्रोड्यूस प्रोजेनी ये भी गलत स्टेटमेंट है ओनली फीडिंग फिटनेस सिर्फ खाने के लिए फिटनेस ये भी ठीक नहीं है तो क्या ठीक है केवल जनन शम उपयुक्तता ये डार्विन की फिटनेस है तो आंसर हो गया यहाँ पे फर्स्ट ठीक है सो so, ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके सामने आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल ऑल द बेस्ट ठीक है थैंक यू वेरी मच